सो बाबा बाबा ब्लैक शिप पोयम तो सुनी होगी, अब देखेंगे हम पूरी मूवी। वेल, मेरे साथ में इस समय फिल्म की स्टार लीड मंजरी बैठी हुई है। मंजरी, फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम टू दिल्ली। थैंक यू सो मच। एंड बाबा बाबा ब्लैक शिप, मतलब पहली बात ना, सब लोगों को ये पोयम याद ही नहीं है। एक बोल दो पोयम। आई रिमेम्बर, इट्स बाबा बाबा ब्लैक शिप, हैव यू एनी वूल? बाबा ब्लैक शिप, हैव यू एनी वूल? सो इट्स नॉट बाबा बाबा ब्लैक शिप, इट्स बाबा ब्लैक शिप। ओके, सो मंजरी, ये क्या टाइटल था जो यू वॉन्टेड टू डू दिस मूवी? द टाइटल वॉज वेरी अट्रैक्टिव टू मी बिकॉज आई थिंक, सॉरी, जब भी कोई भी ये टाइटल सुनता है कि देयर इज अ फिल्म कॉल्ड बाबा ब्लैक शिप, ओह इंटरेस्टिंग, ये क्या है, व्हाट इज इट अबाउट, तो क्यूरियोसिटी ऑटोमेटिकली डेवलप हो जाती है। सेम थिंग विद मी ऑल्सो। तो बाबा ब्लैक शिप बेसिकली हमारे डायरेक्टर ने नाम सोचा बिकॉज इस फिल्म में हर एक कैरेक्टर में कोई ग्रे शेड है। सो बाबा इज द नेम ऑफ द लीड कैरेक्टर, दैट इज मनीष पॉल, एंड एवरी वन इन द फिल्म इज अ ब्लैक शीप इन सम वे ऑर द अदर एक्सेप्ट फॉर मी। सो दैट इज वॉट द होल थिंग इज, बिकॉज आई थिंक मनीष मास्टर टोल्ड यू, बट आई अगेन रिपीट इट। सो बेसिकली द फिल्म इज अबाउट बाबा हुज फादर इज अ काजू सेलर, वो काजू बेचने वाले हैं फिल्म में, लेकिन उसके 25th बर्थडे पे उसको ये बताया जाता है कि 12 पुश्तों से उनके वो खानदानी कॉन्ट्रैक्ट किलर हैं। तो अभी मनीष 13वीं पुश्त है एंड अभी उसको भी कॉन्ट्रैक्ट किलर बना, हलवाई का बेटा, हलवाई कॉन्ट्रैक्ट किलर का बेटा, कॉन्ट्रैक्ट नेपोटिज्म, ऑन दिस वी आर गोइंग टू कम, ओह नो आई डोंट वांट टू कम, दैट्स अ बोरिंग कन्वर्सेशन, बट एनीवे, सो अभी बाबा इज समवन हु कांट इवन किल एन एंट, उसकी एक बहुत प्यारी सी गर्लफ्रेंड है जो कि मैं हूँ। सो अभी वो कॉन्ट्रैक्ट किलर बनता है कि नहीं बनता है, मैं उसे एक्सेप्ट करती हूँ कि नहीं करती हूँ विद द कॉन्ट्रैक्ट किलर एंड एवरीथिंग, और सो या दैट्स व्हाट द फिल्म इज अबाउट। फिल्म में बहुत ही बड़े बड़े कलाकार भी हैं, अनुपम खेर जी हैं, अनु कपूर हैं, के मैनन हैं, उनके साथ में काम करके ऐसा नहीं लगा कि पता नहीं मुझे कोई देखेगा कि नहीं देखेगा? मैंने ऐसा कभी नहीं सोचा, अगर ऐसा कोई सोचेगा तो एक्टिंग ही नहीं होगी, बिकॉज मैंने बहुत सारी मल्टी स्टार कास्ट फिल्में काम किया है और मेरे लिए हमेशा इम्पॉर्टेंट होता है कि स्क्रिप्ट क्या है एंड आप अपनी परफॉर्मेंस के थ्रू चमक सकते हो फिल्म में, एंड मुझे अपने काम से बहुत प्यार है। सो आई ऑलवेज थिंक कि मैं अपना कैरेक्टर, हाउ कैन आई ब्रिंग इट आउट द बेस्ट, तो मेरे लिए वो ही सबसे मायने रखता है। और इनफैक्ट इट्स अ बून टू बी वर्किंग विद अनुपम खेर सर, अनु कपूर सर, के मेनन, मनीष पॉल, बिकॉज दे आर ऑल्सो टैलेंटेड। तो आई मीन उनका थोड़ा सा भी अगर टैलेंट मेरे ऊपर रब ऑफ हो जाए तो मतलब इट्स ओने पे सुहागा। ऑफ कोर्स आई वुड लव टू वर्क विद सच टैलेंटेड पीपल। देयर इज अ वर्ड ऑफ लाइक ब्लैक शिप ऑफ अ हाउस, तो आपको कभी ऐसा लगा कि अपने घर में कभी आप ब्लैक शिप वाली कुछ क्वालिटीज? यार मैं तो एक ही शिप थी फैमिली में तो मम्मी पापा के पास कोई चॉइस नहीं थी, सो आई वाज द ओनली, मैं ही ब्लैक हूँ, मैं ही वाइट हूँ, मैं ही सब कुछ हूँ उनके लिए, बट ब्लैक शिप तो नहीं कहूँगी एक्चुअली। बचपन से आई हैव बीन यू नो वन ऑफ दोज ब्लू आइड गर्ल्स ऑफ माई क्लास टीचर, पढ़ाई में भी अच्छी, फ्रॉम लाइक स्टेज के ऊपर सिंगिंग, डांसिंग, एक्टिंग, आई वॉज वन ऑफ दोज इरिटेटिंग चिल्ड्रन इन द क्लास, जो मैम आई आंसर, मैम आई आंसर, यू नो, नहीं नहीं, बट दैट वॉज वेरी इरिटेटिंग फॉर लॉट ऑफ पीपल, आई वॉज लाइक ऑलवेज फ्रंट बेंच, और मैम आई मैं किसी को चीट नहीं करने देती थी अपने एग्जाम से, अपना पेपर हाइड करके लिखती थी, तो आई वॉज वेरी अनोइंग लाइक दैट, तो आई वॉज अ ब्लैक शीप इन दैट वे। लास्ट क्वेश्चन, वाई ब्लैक शीप? पीपल शुड वॉच, पीपल शुड वॉच बाबा ब्लैक शीप बिकॉज इट्स अ वेरी एंटरटेनिंग फिल्म। 23rd तक सभी बच्चों की एग्जाम्स खत्म हो जाएंगी। इट्स अ फैमिली फिल्म, इट्स नॉट ओनली अ चिल्ड्रंस फिल्म, तो एवरीबडी इज गोइंग टू एन्जॉय इट, इट्स गोइंग टू बी थ्रिलिंग, इट्स गोइंग टू हैव कॉमेडी, सब लोग इन्जॉय करेंगे। कास्ट फिल्म की बहुत अच्छी है और ये ऐसी कास्ट है जो कोई भी फिल्म पिकअप नहीं करती है, जो भी जब भी पिकअप करते हैं, कोई अच्छी स्क्रिप्ट जब होती है तभी पिकअप करते हैं, तो आपको कुछ हटके, कुछ आउट ऑफ द बॉक्स, कुछ मज़ेदार देखने को मिलेगा 23rd मार्च को इन सिनेमाज नियर यू। थैंक यू सो मच मंजरी।